हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और भाइयों, आपके सामने है टाटा की टिगोर, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी और 4 स्टार रेटेड गाड़ी। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गाड़ी है भाई। और आपको पता है कि सेगमेंट में मात्र ये एक गाड़ी है भाई जो 4 स्टार आती है। और उसके बाद भाई अपनी जो है आती है भाई होंडा की अमेज, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग गाड़ी है दोस्तों सारे की। और भाई आप बोलेंगे ना, यार क्या भाई आप जो पेट्रोल दिखाते रहते हो, भाई आज पेट्रोल नहीं है, आज आप लोगों के लिए भाई अपना जो है टाटा टिगोर XM CNG लेके आ चुके हैं भाइयों, वो भी CNG के अंदर। ठीक है भाइयों, लोगों की डिमांड पे भाई कि भाई CNG दिखाओ, टाटा की दिखाओ यार। पर भाई बाकी तो बहुत देखी हैं गाड़ियाँ हम लोगों ने अपनी, जो मारुति की दुनिया भर की गाड़ियाँ हैं, पर जो भाई टाटा है भाई, टाटा भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है अपना CNG के अंदर। बहुत अच्छा माइलेज वगैरह दे रही है गाड़ी। सारी की सारी बात करें, क्यों भाई ये गाड़ी आप लोगों को लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्या भाई है, क्या पॉजिटिव्स हैं गाड़ी के। ठीक है दोस्तों, तो आज सारी सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है भाई। अब बहुत सारी है सेगमेंट में गाड़ियाँ इसके, बट फिर भी यार ये अपने प्राइस को कैसे जस्टिफाई करती है दोस्तों। ये अपना जो वेरियंट है मेरे भाइयों, ये रहने वाला है XM टाटा डिगोर XM CNG ICNG। और ठीक है, तो भाइयों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं भाई फ्रंट की। भाई फ्रंट में क्या कुछ मिलने वाला है अपने को, भाई फ्रंट में मिलने वाली है अपने को हैलोजन हेडलाइट। ठीक है दोस्तों, और भाई नीचे जो है अपने को DRL वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली भाई, अपने को सिंपल फॉग लैम्प की हाउसिंग मिलेगी। और जो है बहुत मतलब भाई एरो शेप में एकदम जो है बम्पर मिलेगा इसका। अगर आप देखोगे ना कर्व्स वगैरह इनके, तो बहुत मतलब यार हर एक चीज़ की जो क्वालिटी है ना। और ये देखो यार, ये साउंड जो है ना भाई सुनने को मिलेगी नहीं जल्दी से आपको। अपनी भाई टाटा की ग्रिल भाई देख रहे हो, कौन बोलेगा उसको बेस वेरिएंट। ग्लॉस ब्लैक में ग्रिल है, और भाई ये देखो हिलती नहीं है, ये बहुत मजबूत यार। ग्लॉस ब्लैक के अंदर अपना टाटा का बड़ा प्यार सा लोगो, और क्रोम भाई ये जो पूरे के पूरे इसके फ्रंट प्रोफाइल पे दिया हुआ है, वो इसकी लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। और अगर कर्व्स देखोगे ना आप लोग, तो बहुत मतलब कि जो पूरा कर्व्स नीचे की तरफ भाई गिर रहा है पूरा बोनट जो, ये भाई मतलब कि अगर देखोगे ना यहाँ से, तो बहुत बेहतरीन लग रहा है यार। मतलब जो फ्रंट की जो प्रोफाइल है ना, मतलब काफ़ी बल्कि लग रही है। आपको पता है कि भाई अपने जो टियागो है सेम ही गाड़ी है, बस में डिग्गी आ गई है और कुछ नहीं है। ठीक है भाइयों, अभी चलते हैं आपको साइड में लेके। साइड में जो दोस्तों एक थोड़ा सा आपको ड्रॉबैक ज़रूर मिलेगा, जो इंडिकेटर है भाइयों XM के अंदर आपको ये फेंडर के ऊपर ही मिलने वाले हैं। और जो भाई साइड वाले मिरर हैं दोस्तों, वो अपने को मिलने वाले हैं ब्लैक, और जो डोर हैंडल्स हैं वो भी ब्लैक मिलने वाले हैं। और भाई चलते हैं आपको लेके पीछे क्या कुछ मिलने वाला है भाइयों। पीछे आप देखोगे ना भाई, बहुत ही मतलब बहुत प्यारे लगते हैं पीछे से गाड़ी यार। मतलब कि जो है ना यार, पूरे का पूरा एक तरीके से भाई, क्योंकि हाइट काफ़ी अच्छी है गाड़ी की दोस्तों। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा आपको भाई, दो पार्किंग सेंसर मिलते हैं। और यहाँ पे अगर ये देखोगे ना, क्रोम वाला पार्ट है जो, ये बहुत बढ़िया लग रहा है यार। और ये भाई अपनी पार्किंग लाइट है इधर, ये रिफ्लेक्टर, ये पार्किंग सेंसर मिलते हैं दोस्तों। और अपने को भाई LED टेल लाइट मिलती हैं, और ये इधर अपने को इंडिकेटर मिलते हैं दोस्तों। और ये जो अंदर क्रोम वगैरह बहुत बेहतरीन से मिलता है। और यहाँ पे अपने टिगोर की बैचिंग मिलती है भाई। और ये अपनी बड़ी प्यारी सी भाई ग्रीन कलर के अंदर ICNG, ये अपना प्यारा सा बड़ा टाटा का लोगो भाई। अभी भाई डिग्गी खोल के दिखाते हैं आपको क्या कुछ अंदर सिलेंडर की प्लेसिंग करी हुई है। और दोस्तों मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये भाई जो इसकी चाबी है ना, इसमें सेंटर लॉकिंग दोस्तों नहीं मिलेगी आपको, नॉर्मल की मिलेगी। अगर आप चाहो तो भाई करवा सकते हो उसको शोरूम से सेंट्रल लॉकिंग वगैरह, भाई ऐसा कुछ मिलेगा यहाँ पे। यार ये चीज़ थोड़ा सा मेरे को लगता है ड्रॉबैक, थोड़ा सा मतलब कि यार काफ़ी मतलब इसको अगर चीज़ को कवर कर देना यार तो अच्छा लगेगा। ये भाई एकदम उखड़ा उखड़ा सा मतलब ऐसा ढांचा सा लग रहा है बिल्कुल। ये चीज़ें कवर होना तो दोस्तों अलग ही बढ़िया लगता है यार। अभी भाई आपको दिखाते हैं यार, इसमें CNG की सिलेंडर की प्लेसिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से की हुई है। वो अपना भाई CNG अपना जो ऑफ ऑन करने के लिए इसको स्विच यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है भाइयों, और तो आपको दिखाते हैं भाई स्टेपनी अपने को इधर मिलने वाली है। और जो भाई साइज है अपना, मैं भाई देख नहीं पा रहा हूँ इसमें, क्योंकि पता नहीं चल रहा दोस्तों। और ये जैक वगैरह अपना यहाँ पे लगा हुआ है। और जो प्लेसिंग है भाई, ये देखोगे ना आप भाई, मेरे को लग रहा है ना ये पीछे से तो मुश्किल है, बट फिर भी जो स्पेस है ना यार, वो स्पेस काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो सिलेंडर लगने के बाद भी जो है ना, स्पेस वगैरह काफ़ी मतलब बढ़िया बचा हुआ है दोस्तों।
मतलब अपना जो है यार, दो बैग अपने यहाँ पे रख सकते हो आप लोग, और जो छोटा मोटा वैसा सामान है अपना वो इधर आ जाएगा। ठीक है भाई, वो कैमरा वैमरा कुछ मिलने वाला है नहीं इसमें, इस वाले वेरिएंट में। भाई ये चीज़ बड़ी बहुत बढ़िया लगी मेरे को टाटा की, ये देख रहे हो हाइड्रोलिक, क्या बात है यार, बढ़िया है यार ये। मतलब ऐसा नहीं दिया हुआ भाई और कंपनी, इधर ये खुल के उधर पहुँच जा रहा है भाई, हाइड्रोलिक दिया हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है यार। ये देख रहे हो भाई, यहाँ पे एलईडी लाइट मिलती है, बट जो उसका वेट है ना दोस्तों, बहुत गजब है यार। ये देखो नॉर्मल तो भाई बंद ही नहीं हो रहा भाई, भाई बड़ी मेहनत से बंद करना पड़ा इसको, ये बहुत हैवी है। ये बहुत प्यारी है अपनी जो हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प भाई, यहाँ मिलता है अपना, बहुत बढ़िया एकदम एलईडी में, सीएनजी की बैचिंग मिलती है, वोकल फॉर लोकल का स्टिकर मिलता है। और भाई मैं देख पा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कोई अपने जो टाटा ने वो नहीं चलाया हुआ है इस पर, वो जैसे हाथी घोड़े चलते हैं भाई हर उस पर, जो गेंडा वेंडा चलता रहता है इनके, इस वाले उस पर है नहीं दोस्तों। अभी चलते हैं दोस्तों आप लोगों को गाड़ी के अंदर लेके, क्या कुछ अंदर मिलने वाला है आपको भाई। सबसे पहले आपको दिखाते हैं डोर, डोर की ओपनिंग दोस्तों वही अपनी 90 डिग्री, बहुत बढ़िया एकदम खुल गया दरवाज़ा भाई पूरा का पूरा, भाई कोई भी बुजुर्ग हो कोई भी हो और बड़े आराम से बैठ सकते हैं। डोल टोन के अंदर दोस्तों डोर अपने रहने वाले हैं, अगर आप देखोगे तो भाई हल्का हल्का ब्लू ब्लू शेप में, और भाई चारों पावर विंडो, वन टच अप वन टच डाउन ड्राइवर साइड, और जो साइड वाले मिरर हैं वो भाई डंडी मिलती हैं अपने सिलेरियो की तरह। ठीक है, और यहाँ पे अपने को दोस्तों आधा लीटर की बोतल का स्पेस मिलता है, यहाँ पे उसने यहाँ पे मेंशन किया उन्होंने 0.5 दोस्तों। और मैं एक बार इसकी आपको थर्ड सुनाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई गाड़ी भी तो आगे 4 स्टार है। अरे भाई गजब है यार, गजब कमाल कर दिया भाई। सीट को करते हैं दोस्तों पीछे और चलते हैं अंदर गाड़ी के अंदर, क्या कुछ मिलने वाला है दोस्तों। दोस्तों ये देखो बड़ा प्यारा सा एक एनिमेशन मिलता है अपने को, बहुत बढ़िया सा। ठीक है भाइयों, और सीएनजी लो फ्यूल अपना जो है इधर दिखा रहा है। और भाइयों जो अपने अगर आप देख पा रहे होंगे ना, एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो ऊपर वाला है जहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है दोस्तों वो अपना सीएनजी वाला है, और जो नीचे वाला है वो पेट्रोल वाला है। ठीक है, अभी सीएनजी है नहीं इसमें, पर फिर भी जो है मैं दिखाता हूँ आपको और क्या क्या हम लोगों को मिलने वाला है इसमें। भाई अगर आप देख पा रहे होंगे ना, जो डेड पेडल अपने को इधर मिलता है, जिसकी क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी है, अपना क्लच इधर मिलेगी और अपने को ब्रेक इधर मिलेगा और भाई एक्सीलेटर इधर। अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ ना दोस्तों, भाई अपना ओपिनियन है सभी का, बट मेरे को जो है ना थोड़ा सा ये, अगर आप देखोगे ना, जैसे अगर मैं इसको इधर प्रेस कर रहा हूँ तो ये जो है ना, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल टच होने वाला है, बहुत पास पास नहीं होगी ये जो ये और क्लच। अगर आप जैसे और कंपेयर करोगे दूसरी गाड़ियों को तो उसमें थोड़ा सा दूर है, ये हल्का सा गैप है उसमें, और यहाँ पे ये स्पेस मिलता है। छोड़ो दोस्तों इसको जाने दो, ग्लॉस ब्लैक के अंदर भाई अपना जो है ये एसी वेंट के आसपास भाई मिलेगा, और इधर क्रोम दिया हुआ है जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है इसमें, और इधर अपने लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं दोस्तों, लाइट वगैरह भाई इधर से जला सकते हो बंद कर सकते हो अपना, वैसे हेडलाइट जल जाएगी अपनी, और इधर भाई वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं दोस्तों अपने को। ठीक है भाइयों, और ये नॉर्मल सा भाई अपने को जो है एक सिस्टम मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखोगे ना तो डिजिटल भाई डिस्प्ले मिल जाती है अपने को, ये हल्की सी छोटी सी बिल्कुल बड़ी प्यारी सी। ठीक है भाई, गाने वगैरह आप चला सकते हो, ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर सकते हो अपने इसमें आप, ये देखेंगे सारे के सारे भाई हर एक वो दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करना है, ये सारा का सारा नेक्स्ट और बैक करने के लिए होम का बटन दिया हुआ है भाई। छोटी सी स्क्रीन है बट फिर भी काम बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसमें दो एयरबैग मिलती है अपने को, दो स्पीकर मिलते हैं, दो ट्विटर मिलते हैं आगे। और अभी भाई अगर यहाँ पे देखोगे ना आप, यहाँ पे जो है नॉर्मल टिकट होल्डर मिलता है, इधर माइक मिल जाता है अपने को, और भाई इधर मिल जाता है ये मिरर भाई देना चाहिए था, ग्रैब हैंडल मिलता है जो कि फोल्डेबल अपना दोस्तों, और नॉर्मल एसी मिलता है अपने को, इधर अपना जो सीएनजी का बटन मिल जाता है ग्रीन कलर में जो जला हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों को भाई अपना पेट्रोल पे गाड़ी लेके आनी है, उस पर लेके आनी है सीएनजी पे, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ऑटोमेटिक वो स्विच कर देता है बटन क्लिक करने के बाद। ग्लव बॉक्स भाई यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं अपना आप, ऊपर भी स्पेस दिया हुआ है और नीचे भी अपना ए टियागो की बुक मिलती है इधर, और इधर भाई अपने को ये जो
एक्सप्रेस कूलिंग का बटन मिलता है इधर, जो ये वाला अगर आप देखोगे तो नीचे एक भाई यूएसबी पोर्ट मिलता है अपना 12 वोल्ट का सॉकेट का, वो मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दोस्तों, ठीक है। और ये अपना भाई 2 कप होल्डर मिलते हैं इधर, हैंड ब्रेक हो गया, ठीक है भाइयों। और इधर भाई जो है ना, ये थोड़ा सा यार, ये जो लाइट है दोस्तों, अगर इसको इधर दे देते तो अच्छा होता। ये लाइट जो है ना एकदम बीच में दी हुई है, अगर मान लो मेरे को अगर मान लो मैं आगे गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं भाई पीछे तो उसको चलाऊंगा नहीं ना जाके, इधर कहाँ लाइट है, या अगर सामने हो तो मैं बहुत आराम से उसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है भाई। वो जनरली जो है कभी भी हाथ जाएगा तो अपने सामने ही जाएगा, कोई पीछे मुड़ के तो गाड़ी चलाते वक्त तो वो करेगा नहीं ना, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं चलते हैं, पीछे का स्पेस दिखाते हैं आपको, पीछे क्या कुछ मिलने वाला है। यार ये चीज़ जो है ना टाटा की मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जो सीटों की कुशनिंग है भाई वो बहुत ज़बरदस्त है यार। मतलब जो है ना, एक तो अंदर भाई बैठना और उतरना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अभी पीछे वाला मैं डोर खोलता हूँ एक बार, डोर खोल के दोस्तों दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब कि जो टाटा ने जो है ना अपने, देखो ये यहाँ पे भाई डोर पे जो है ना स्पेस दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आफ्टर मार्केट आप लोग करवा सकते हो उसको अपना भाई। यहाँ पे ट्विटर की प्लेसिंग अपनी जो है उन्होंने मतलब कि छोड़ दिया है कि आप चाहो तो आफ्टर मार्केट करवा सकते हो। और जो आगे वाले हेडरेस्ट हैं दोस्तों वो एडजस्टेबल रहेंगे, और जो पीछे वाले हैं, पीछे वाले भी यार ये देखो, टाटा की ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है भाई। फिक्स है बट फिर भी जो इनकी हाइट है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। और अभी पीछे कंफर्ट बताते हैं आपको, जो पीछे की सीट है मैंने पूरी पीछे करी हुई है, अभी देखते हैं क्या कुछ स्पेस बनता है अपने का। भाई ऐसा लग रहा है ना सोफे पे बैठ गए हैं यार, जो सीट की चौड़ाई है और जो भाई रिक्लाइनिंग एंगल है बहुत ज़बरदस्त है। अंडर थाई सपोर्ट भी देखो आप, मैं नॉर्मल बैठा हुआ हूँ, मेरे को इतना स्पेस मिल रहा है देखो भाई। जो कि जनरली जो है ना, अगर जो सेडान गाड़ियाँ होती हैं वो जानी जाती हैं अपने कम्फर्ट जोन के लिए, ऐसा कुछ डैशबोर्ड का व्यू मिलने वाला है। एसी वेंट वगैरह की कमी थोड़ी सी जरूर खलेगी आपको दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो है अपना नॉर्मल आप बॉटल वगैरह रख सकते हो। और ये थोड़ा सा भाई ऊंचा है, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो है ना अपने को भाई छोटा बच्चा ही बैठ सकता है। 3 लोग अगर बैठेंगे तो उसका पाँव जो है ना भाई अलग ही हाइट पे जाएंगे थोड़े से, या तो फिर दोनों पाँव को साइड में करके बैठना होगा, ठीक है भाई। यहाँ पे अपना नॉर्मल ग्रैब हैंडल मिलता है, हुक अपने को दोस्तों कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, ठीक है भाइयों। चलते हैं बाहर लेके आपको क्या कुछ बाहर मिलने वाला है अपने इंजन में। भाई ऐसा कुछ अपने इंजन का वो पूरा का पूरा रहने वाला है, देखोगे आप तो। इंजन प्रोटेक्शन वगैरह दोस्तों उसमें नहीं मिलती है, ठीक है भाइयों। 1.2 लीटर का इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन, 4 वाल्व्स, और जो पावर जनरेट करता है दोस्तों 72 BHP, 95 Nm का टॉर्क, और जो भाई कंपनी क्लेम करती है वो करती है इसका 26 का माइलेज, और जो टोटल रेंज भाई करती है इसकी वो 1584 Nm की करती है भाई, 84 किलोमीटर की दोस्तों, ठीक है भाई। वो BS6 इंजन है ये अपना, और जो प्लेसमेंट भाई हर एक चीज़ की रखी गई है ना बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत ज़्यादा। अगर आप देखो ना हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करा हुआ है। इंजन थोड़ा सा भाई मतलब काफ़ी, बैटरी वगैरह देखो आप लोग, बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को मैनेज किया गया है, ठीक है दोस्तों। और मैं दिखाता हूँ आपको उसका बॉडी वेट कितना है। जो भाई बॉडी वेट है वो भी इसका काफ़ी बढ़िया रहने वाला, इंसुलेशन वगैरह बहुत ज़बरदस्त तरीके से कवर करा हुआ है। अगर ये चीज़ थोड़ी सी अगर हमें बूट स्पेस में मिल जाती बस भाई, कितना ज़्यादा वो नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया रहता। और जो वेट है यार इसका बहुत हैवी है यार, बहुत ज़बरदस्त। और थर्ड सुनो भाई, बहुत अल्टीमेट यार। और भाइयों अगर बात करें कि इस गाड़ी के प्राइस की, जो कि हमारा भाई हर एक बंदा सोच रहा होगा यार, गाड़ी तो भाई पूरी दिखा दी आपने, प्राइस कौन बताएगा भाई, प्राइस भी हम ही बताएंगे। जो दोस्तों आप लोगों को पड़ने वाली है ये गाड़ी, पड़ने वाली है तकरीबन 8,70,000 रुपये की नोएडा के अंदर, ठीक है भाइयों। और गाड़ी भाई बिल्कुल जस्टिफाई करती है अपने प्राइस को। और जो सारी की सारी मैंने आपको बताया, पावर फिगर वगैरह भी काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, CNG के अंदर होने के बावजूद अपना व्हील कैप वगैरह भी आपको मिल जाते हैं दोस्तों इसके अंदर। और जो स्टैंडर्ड अगर आप मैं बात करूँ, ABS EBD ब्रेक असिस्ट वगैरह आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ भाई दोस्तों मैं रह गई थी अपनी, ये बड़ी प्यारी सी छोटी सी पर बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, अपना जो है पंचर किट मिलती है टाटा की हर एक गाड़ी के साथ, जो कि बहुत बढ़िया है दोस्तों। होपफुली आप लोगों को दोस्तों वीडियो में मज़ा आया होगा, तो भाई मैं ऐसा ही कॉन्टेंट आप लोगों के लिए भाई बढ़िया सा लेके आता रहूँगा। तो भाई अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे लाल वाला बटन है उसको भाई
प्रेस करके ज़रूर जाएं, ताकि हम लोगों को भी भाई मोटिवेशन मिले कि आप लोग यार सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।